सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुरधड़ का, जहां किसी समय पर 11 बजे बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता था, वही अब पूरा दिन लगने लगा है मरीजों का तांता। जी हां, बात है मंदसौर जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुरधड़ का की, जहां किसी समय में इलाज के नाम पर इतिश्री होती थी। यहां के BMO डॉक्टर सतीश चंद्र गोर को या तो फील्ड के काम से या फिर कोर्ट की पेशी से फुर्सत नहीं मिलती थी, इस वजह से मरीज भटकते रहते थे। सुविधाएं सारी है पर सेवा देने वाले नहीं थे। ऐसे में एक आशा की किरण बनकर आए डॉक्टर प्रियांशी जैन मैडम, जिन्होंने न केवल मरीजों की पीड़ा को समझा बल्कि पूरे हॉस्पिटल की कायाकल्प कर दी। मैडम अपने काम के प्रति इतनी सहज है कि रविवार को भी अवकाश नहीं रखती है, बस हर समय दर्द से पीड़ित मरीजों का इलाज करना और जो हो सके उन्हें सुविधा मुहैया करवा कर मंदसौर रेफर करना। आज पूरा पूरा दिन मरीजों की भीड़ लगती रहती है। एक समय था कि शाम को भी OPD लगती, ये बात लोगों को पता ही नहीं थी, पर जैन मैडम के आने के बाद मानो लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब सरकारी अस्पताल में भी इलाज होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 32 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाती है। वो सारी सुविधा यहां उपलब्ध है जो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में होती है, वो भी निःशुल्क। मरीज अब यहां भर्ती भी होते हैं, डॉक्टर राउंड पर भी आते हैं, हर समय उनके स्वास्थ्य की खबर लेते हैं। गांव के नागरिक और आसपास के गांवों से आए मरीजों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने मानो किसी देवता की पोस्टिंग की है। खासकर महिला डॉक्टर होने की वजह से पीड़ित अपने दर्द को छुपाने वाली महिलाओं को भी अब आसानी हो गई है। मैडम उनसे ऐसे बात करती है जैसे उन्हें पहले से जानती हो। अम्मा, दीदी, बहन और बेटी जैसे शब्दों का उपयोग कर आधी पीड़ा हर लेती है।